राज्य के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। स्कूलों को दिल्ली की तर्ज पर 80 एक्सेलेंस स्कूल को विकसित किया जाएगा और ऐसे स्कूलों में अन्य सुविधाओं के साथ कई लाइव स्टोर रूम और लाइब्रेरी भी होगी। रांची के बरियातू गर्ल्स स्कूल का चयन भी एक्सेलेंस स्कूल के रूप में किया गया है। रिपोर्ट देखें। 80 एक्सेलेंस स्कूल में रांची के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बरियातू का भी चयन हुआ है। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल परिसर में काम शुरू हो गया। इस स्कूल की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बरियातू के पुराने भवन को भी नवीनीकरण किया जा रहा है। इस कैंपस में 3 लाइव स्टोर रूम में एक बड़ी हाईटेक लाइब्रेरी और लड़कियों के पढ़ने के लिए स्टडी रूम का निर्माण होने जा रहा है। स्कूलों को एक्सेलेंस स्कूल के दायरे में रखा गया है। उसमें रांची में 5 स्कूल है, जिसमें हमारा भी स्कूल एक है, तो ये बहुत मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और कुछ बनना है लैब, 3 लैब बनेगा, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो लैब, उनका स्टोर रूम बनेगा और लाइब्रेरी बनने वाला है नया, मतलब थोड़ा मॉडर्न जो हो, पूरा मॉडर्न की तरह से लाइब्रेरी बनने वाला है और स्टडी रूम बच्चों का बनेगा। दिल्ली में जिस तरह सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदली गई, उसी तर्ज पर अब राज्य के स्कूल भी दिखेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बरियातू के प्रिंसिपल रीता कुमारी कहती है कि स्कूल के लिए गौरव का समय। दिल्ली के में जो स्कूलों को, सरकारी विद्यालयों को जो जिस मॉडल के तर्ज पर डेवलप किया गया है, उसी मॉडल को देखते हुए सरकार ने यहाँ के भी सरकारी स्कूलों को डेवलप करने का प्लानिंग कर रखा है, तो यही है एक्सीलेंस स्कूल के तहत। हाँ, फायदे ये होंगे कि सबसे पहला है कि टीचर्स की जो कमी है वो हमें बताया गया है कि टीचर्स पूरा फुलफिल होंगे। दूसरा चीज़ है कि जितने भी तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमियां हैं, तो वो कमियों को भी पूरा किया जाएगा। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बरियातू की पहचान अब एक एक्सेलेंस स्कूल के रूप में होगी। स्कूल की पहचान हॉकी खिलाड़ियों से हुआ करती थी, लेकिन अब 2023 तक स्कूल का रंग रूप स्वरूप तमाम चीजें बदल जाएंगी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ अंजनी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।